तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्चर iOS 16। ये एप्लीकेशन है क्या और इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, ये जो आईफोन का 16 लॉन्चर है, इसको आप अपने इस फ़ोन पे सेट कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। अभी तक इस एप्लीकेशन को 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया और 4.1 की रेटिंग मिली हुई है। इसको अपने फ़ोन पे इस लॉन्चर को अपने फ़ोन पे लगाने के लिए सिंपल है, इसको ओपन करेंगे। कुछ स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना है और आसानी से इस एप्लीकेशन को अपने ये जो फ़ोन है उस पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू ऐप पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करके सही वाले सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कुछ परमिशन है जिसको अलाउ करना पड़ेगा। सबसे पहले ओके पे क्लिक करते हैं, अलाउ करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेक डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा जो लॉन्चर है वो है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर माई चॉइस, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर लॉन्चर iOS 16 पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब ये जो लॉन्चर है वो हमारे फ़ोन पे सेट हो रहा है। अब जो हमारे फ़ोन, ये जो लॉन्चर था 16, वो हमारे फ़ोन पे सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही है, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा और क्या चीज़ें दिया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो और भी सारे बहुत कुछ दिया है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको प्ले एंड क्विज का ऑप्शन दिया है, लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल सेंटर दिया है इसमें, अगर आप ध्यान देंगे तो इसको कंट्रोल सेंटर का भी ऑप्शन दिया है, ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के कंट्रोल सेंटर भी सेट कर सकते हैं। जो कंट्रोल सेंटर था इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने का डायनेमिक आइसलैंड देता है, ठीक है ना। जो ऊपर का ये बार होता है ना, ये सब होता है डायनेमिक आइसलैंड, इसको सेट कर सकते हैं। वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, जो आइकन है, जो हम लोग जो लोगो होता है वह ऐप का, जैसे इंस्टाग्राम का लोगो है, यूट्यूब का लोगो है, वो जो आइकन उसको भी कहते हैं, तो उसको भी चेंज करना चाहिए, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहें तो ऐप भी हाइड करना तो हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे कुछ ऐप हाइड करना था, हम इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ें ऑप्शन हो जाएगा। आपको बस हिडन ऐप पर क्लिक करना है और यहाँ पर रिमूव फ्रॉम होम स्क्रीन पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब ये एप्लीकेशन हाइड हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम फिर वापस कैसे लाएंगे, ऐप वापस लाने का सिंपल सा तरीका है। आपको सबसे पहले उस ऐप को ओपन करना है, कौन सा ऐप, जो लॉन्चर है हमारा 16 लॉन्चर, iOS 16 लॉन्चर को ढूंढ कर आपको ओपन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ओपन किया, ये हिडन ऐप है, ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखेंगे वो जो एप्लीकेशन था वो आ चुका है हमारे होम पेज पे फिर से, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बताऊँ यहाँ से, अगर मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ अपने स्क्रीन पे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ से अनइंस्टॉल करने का, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपको देखने को मिलता है इसमें, अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं किसी भी ऐप पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐप का इन्फॉर्मेशन, एडिट होम स्क्रीन और ऐप को शेयर करने का ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन पे सेटअप कर सकते हैं।